हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टैक्स ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मीन्स सर, शराब में टैक्स का क्या प्रोविजन है इंडिया में? ठीक है सर, शराब में क्या प्रोविजन है टैक्सेशन का इंडिया में? सर आज हम ये देखेंगे। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं। सर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मार्क ये है सर कि शराब में क्या जीएसटी लगता है? पहला नंबर क्वेश्चन मार्क ये है सर कि क्या शराब में जीएसटी लगता है? तो सर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि सर शराब में बिल्कुल जीएसटी नहीं लगता है। सर जीएसटी के लिस्ट से शराब को बाहर किया गया है, शराब में जीएसटी नहीं लगता है। सर इसका डेफिनेशन जो मैंने एक क्लास लिया था व्हाट इज जीएसटी, वहां भी मैंने बताया था टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो चलो ये पहला नंबर हो गया सर, इसमें जीएसटी नहीं लगता है शराब पर। अब बात करें सर शराब पर जीएसटी नहीं लगता तो सर कौन सा टैक्स लगता है? सर यहां पर लगता है वैट। सर शराब पर वैट लगता है और सर सीएसटी लगता है और सर एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब देखो सर यहां तीन तीन टैक्स हो गया, एक दो तीन, तीन टैक्स हो गया सर। तो सर यहां पर वैट क्या है सर, सर यहां सीएसटी क्या है, सर यहां एक्साइज ड्यूटी क्या है? देखो मैं पहले बता देता हूं सर, ये पुराना टैक्स है सर, ये ओल्ड टैक्स है। देखो जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 को सर इंडिया में आया है, 8 जुलाई 2017 को सर जम्मू कश्मीर में भी लगा दिया गया था। सर उससे पहले क्या होता, उससे पहले सर सभी जितना भी आइटम था सर सब में वैट सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन सर जिस दिन जीएसटी आया ना तो सर उस समय वैट को भी खत्म कर दिया गया, सीएसटी को भी और एक्साइज ड्यूटी को भी खत्म करके जीएसटी लगा दिया गया। लेकिन सर कुछ कुछ आइटम है जिसमें आज भी वैट सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। उसमें से सर एक आइटम है जिसका नाम है शराब, जिसको एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बोलते हैं। तो चलो यहां बात करते हैं सर, यहां भी अभी भी पुराना टैक्स लग रहा है वैट सीएसटी एक्साइज ड्यूटी। पहला नंबर बात करेंगे सर ये वैट क्या है। तो देखो वैट का मतलब है सर, पूरा नाम है वैट का वैल्यू एडेड टैक्स। सर इसका पूरा नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। चलो बात करें सर वैल्यू एडेड टैक्स, तो सर ये वैल्यू एडेड टैक्स कब लगाया जाएगा? तो देखो ये सर चार्ज किया जाएगा, कब चार्ज किया जाएगा सर? ये चार्ज किया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई जब करोगे ना तब सर ये चार्ज किया जाएगा। अब सर बात करें इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, तो देखो इसको, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दिया है सर, जहां पर मैंने बताया इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, आप वहां भी देख लेना। लेकिन सर मैं बता देता हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन सर सप्लाई विद इन, क्या बोलेंगे सर, सप्लाई विद इन स्टेट। सर सप्लाई विद इन स्टेट या सर यूटी, मतलब सर जब कोई भी सप्लाई, कोई भी सप्लाई एक स्टेट के अंदर में या सर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में, क्योंकि सर अपने को पता है कि इंडिया जो है सर इंडिया में स्टेट भी है और सर यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, तो सर अगर कोई स्टेट के अंदर में या सर कोई यूनियन टेरिटरी, सर कोई भी सप्लाई होगा लिकर का, तो सर वहां पर वैट लगा दिया जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे सर फॉर एग्जांपल समझो, मान लो सर ये वैट का एग्जांपल है। ठीक है सर, तो वैट का एग्जांपल मान लो सर यूपी के अंदर में, यूपी के अंदर में सर लिकर का सप्लाई हुआ, तो बिल्कुल सर यहां वैट लगा दिया जाएगा, यहां सर वैट लगा दिया जाएगा। सर मान लो दिल्ली के अंदर में, जैसे सर यूपी तो स्टेट हो गया, सर ये तो स्टेट हो गया, लेकिन सर दिल्ली क्या है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है सर। लेकिन यहां पर क्या है सर, यहां पर मान लो दिल्ली के अंदर में सप्लाई ऑफ लिकर होगा तो यहां भी वैट लगाया जाएगा। मतलब सर कोई भी एक स्टेट के अंदर में या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में अगर कोई भी सप्लाई होता है लिकर का तो वहां पर सर वैट लगाया जाएगा। जैसे मान लो सर बिहार के अंदर में, मान लो सर बिहार के अंदर में कोई लिकर का सप्लाई हुआ, ऐसे तो सर होता नहीं है, चलो होता नहीं है सर, लेकिन मान लो ऐसे तो आप सर बैंड कर दिया गया, तो चलो बिहार का एग्जाम्पल ना करके सर झारखंड ले लेते हैं। झारखंड के अंदर में सर, क्योंकि देखो बिहार में तो दारू बैन है सर, बिहार में तो दारू बैन है इसीलिए इसका हम बात नहीं करेंगे। तो सर झारखंड के अंदर में कोई भी सप्लाई हुआ लिकर का, सप्लाई ऑफ लिकर, तो सर यहां लिकर का सप्लाई हो बिल्कुल सर यहां वैट लगा दिया जाएगा। ये बात हो गया सर। अब बात करते हैं, ये तो वैट का हो गया, दूसरा नंबर समझो सर सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। चलो बात करते हैं सर ये सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये तो इसका पूरा नाम हो गया सर, ये चार्ज कहां पर होगा, अब हम इसका बात करेंगे सर, चार्जेबिलिटी क्या है इसका। तो देखो चार्जेबिलिटी क्या है सर, चार्ज किया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। कहां चार्ज किया जाता है सर, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई पर सर ये चार्ज किया जाता है।
ठीक है सर। अब बात करें सर इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, तो सर इंटर स्टेट सप्लाई मींस सप्लाई फ्रॉम, क्या बोलेंगे सर, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट, सर एक स्टेट से या सर वन यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट से टू अनदर स्टेट, टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और सर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मतलब सर क्या बोलते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या सर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में या सर एक स्टेट से दूसरे यूटी में या सर एक यूटी से दूसरे स्टेट में जब आपका सप्लाई होता है, जब आपका वहां पर लिकर का सप्लाई होता है तो सर वहां पर सीएसटी लगा दिया जाता है। चलो बात करते हैं सर एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। जैसे सर मान लो ये एग्जाम्पल जो है ये सर सीएसटी का एग्जाम्पल है। जैसे सर देखो दिल्ली से बिहार, तो सर यूटी से स्टेट, मतलब एक यूटी से एक स्टेट में सर मान लो सप्लाई हुआ लिकर का, तो सर यहां पर बिल्कुल सीएसटी लगा दिया जाएगा। सर मान लो यूपी, यूपी सर क्या है, स्टेट है, और सर ये जो बंगाल है, बंगाल में सर स्टेट है, तो सर यहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यूपी से बंगाल में सर लिकर का सप्लाई होगा तो सर क्या होगा, यहां पर भी बिल्कुल सीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या वन यूटी टू अनदर यूटी, वन स्टेट टू यूटी या सर यूटी से वन स्टेट में अगर कभी भी सप्लाई होगा तो सर वहां पर सीएसटी लगा दिया जाएगा। अब सर ये सीएसटी जो है सर यहां पर एक प्रॉब्लम है कि सर ये सीएसटी का पैसा, सर ये सीएसटी का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट रखेगी या सर बिहार गवर्नमेंट रखेगी, सर ये सीएसटी का पैसा यूपी गवर्नमेंट रखेगी या सर बंगाल की गवर्नमेंट रखेगी ये पैसा को। ये तो सर देखो वैट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सर वैट में जैसे देखो यूपी के अंदर में सर लिकर का सप्लाई हुआ तो बिल्कुल सर यूपी गवर्नमेंट ये पैसा रख लेगी, सर दिल्ली के अंदर में ये सप्लाई हुआ तो बिल्कुल हमारे केजरीवाल बाबू रख लेंगे, और सर मान लो झारखंड के अंदर में सर लिकर का सप्लाई हुआ तो सर बिल्कुल हेमंत बाबू मतलब सर झारखंड गवर्नमेंट यहां पर पैसा रख लेंगी। ठीक है, यहां तो सर कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेट के अंदर में सर वही स्टेट रख लेगी पैसा। लेकिन सर दूसरा नंबर में यहां सर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या वन यूटी टू अनदर यूटी सप्लाई हो रहा है तो सर यहां पर प्रॉब्लम आता है कि सर ये सीएसटी का पैसा कौन रखेगी। तो बात को समझो सर, सीएसटी जो है, सीएसटी क्या है सर, ये है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। क्या है सर, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सर ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता है सर, जहां से सप्लाई हुआ, जहां से, ध्यान दीजिएगा सर, जहां से सप्लाई हुआ सर उसको ओरिजिन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। मतलब सर जहां से सप्लाई हुआ वहीं टैक्स चार्ज करेगी। मतलब सर देखो सप्लाई कहां से हुआ है सर, दिल्ली से सप्लाई हुआ, तो सर दिल्ली से सप्लाई हुआ तो ये सीएसटी का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट रख लेगी, क्योंकि सर ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन है सर दिल्ली में। ठीक है सर, यहां पर बात करें यूपी से बंगाल, तो सर ओरिजिन कहां है सर, ओरिजिन है सर आपका यूपी में, तो सर यूपी गवर्नमेंट जो है ये सीएसटी का पैसा रख लेगी। ठीक है सर, देखो आपको मैं एक नॉलेजेबल बता देता हूं सर, जीएसटी देखो, जीएसटी क्या है सर, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब सर जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जब जीएसटी आया सर तो जीएसटी में बोला गया कि माल जहां पहुंचेगा, जहां माल कंज्यूम किया जाएगा वो गवर्नमेंट जीएसटी का पैसा रखेगी। लेकिन सर इससे पहले जो पुराना टैक्स था ना, पुराना टैक्स बोलता है सर ओरिजिन बेस्ड टैक्स। मतलब सर जहां से माल चलेगा वहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पैसा को रखेगी। तो ठीक है सर, यहां पर जहां से माल चलेगा वहां वहीं गवर्नमेंट जीएसटी का पैसा रख लेगी। ये क्लियर हो गया सर, क्योंकि ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, आइए अब तीसरा नंबर बात कर लेते हैं सर, यहां पर एक्साइज ड्यूटी। देखो एक्साइज ड्यूटी सर, एक्साइज ड्यूटी कब लगेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करोगे। मतलब सर जब उत्पादन करेंगे ना आप, सर जब आप उत्पादन करोगे ना तब सर वहां पर क्या लग जाएगा, वहां पर लग जाएगा सर ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, वहां पर लग जाएगा एक्साइज ड्यूटी। और सर ये एक्साइज ड्यूटी कौन लगाएगी सर, ये एक्साइज ड्यूटी लगाएगी वहां की स्टेट, जहां पर, कहां की स्टेट सर, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जिस स्टेट में सर करोगे ना उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। जैसे सर मान लो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, मान लो सर शराब बनाते हो, उत्पादन करते हो सर, शराब बनाते हो, कहां बनाते हो सर, यूपी, यूपी में शराब बनाते हो, तो यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी आपसे लेगी। सर मान लो आप झारखंड में बनाते हो सर, आप झारखंड में बनाते हो सर, तो झारखंड में बनाते हो तो सर बिल्कुल एक्साइज ड्यूटी झारखंड ले लेगी। ठीक है सर, मान लो बिहार में बनाते हो, बिहार गवर्नमेंट ले लेगी सर। मतलब सर जिस स्टेट में आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना सर आपका, वहीं स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एक्साइज ड्यूटी हमेशा कहां लगेगा सर, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में, ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा सर, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा तो सर यहां पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा। सीएसटी क्या है सर, इंटर स्टेट,
इंटर स्टेट, मतलब सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगा तो सर ये सीएसटी लगेगा, और सर इंट्रा स्टेट मीन सर एक स्टेट के अंदर में सप्लाई होगा तो सर यहां पर आपका वैट लगा दिया जाएगा। बताओ बिल्कुल क्लियर है सर यहां पर? अब देखो ये तो क्लियर हो गया सर, बिल्कुल यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो तो अब अपने बात कर लेते हैं सर। यहां देखो एक बात आपको पूरा का पूरा एक ओवरऑल समझो सर, पूरा मिलाकर के एक ही बात हुआ सर कि ये जो शराब है ना सर, इसमें पावर किसको दिया गया है सर? इसमें पावर किसको दिया गया है? टैक्स लगाने का पावर सर। ये पावर जो है ना टैक्स लगाने का सर, ये किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। ध्यान दीजिएगा सर, आप पूरा मिलाकर के एक छोटा सा निष्कर्ष आपको समझो। देखो ये सर पावर किसके पास है सर? टैक्स लगाने का पावर, शराब में टैक्स लगाने का पावर स्टेट को दिया गया है सर। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है सर, जैसे मान लो झारखंड गवर्नमेंट हो गई, तो सर झारखंड गवर्नमेंट सर लिकर पर अलग टाइप से टैक्स लगाएगी। सर मान लो बिहार गवर्नमेंट है, तो सर बिहार में तो ऐसे बैन है, चलो बात खत्म कर दो। यूपी गवर्नमेंट क्या करती है सर? यूपी अपने अपने राज्य में सर अलग टाइप से टैक्स लगाएगी। जैसे सर झारखंड क्या करती है, कोरोना वायरस जब हुआ तो सर 75% टैक्स लगाने लगी। पहले 50% टैक्स लगाती थी, अब 75% लगाने लगी। उसी तरह से यूपी सर का सर अलग परसेंटेज होगा। सर मान लो दिल्ली है तो दिल्ली का अलग परसेंटेज होगा। सर देखो यहां पर सर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आपको जितना मर्जी उतना आप टैक्स लगा दीजिए अपने राज्य में। इसीलिए सर इसमें कोई फिक्स नहीं बोला जा सकता कि सर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, क्योंकि सर जब फिक्स कब होगा, जब सर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ना, तब सर वो फिक्स हो जाएगा कि हाँ भैया इतना परसेंट देना। लेकिन देखो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो सर हर स्टेट में अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में अलग टैक्स होगा शराब पर, सर उड़ीसा में अलग होगा, सर आपका महाराष्ट्र में अलग होगा, सर गोवा में अलग होगा, सर पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग टैक्स होगा। तो हर गवर्नमेंट अलग अलग लगाती है, क्योंकि सर ये पावर जो है ना टैक्स लगाने का शराब में, वो सर स्टेट को दिया गया है, यूनियन टेरिटरी को दिया गया है। तो बताओ बिल्कुल क्लियर हो गया सर ये टैक्स कैसे लगाया जाता लिखकर पर? तो अगर बिल्कुल क्लियर हो गया तो सर एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलो फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।